नमस्ते प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शालिनी। क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल में जानवरों के जूते कौन बनाता है? अब आप सोच रहे होंगे कि भला जानवर भी कभी जूते बनाते हैं और पहनते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं। अगर हम कल्पनाओं के पंखों को उड़ान देंगे तो हमें इस संसार में कई चीज़ें अद्भुत नज़र आएंगी। कभी कभी कुछ अद्भुत होता है तो मन को अच्छा लगता है ना। हमारी कल्पनाओं की दुनिया भी अलग होती है, जो शायद वास्तविकता से थोड़ी परे हो। ये ऐसी दुनिया होती है जहां हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं, आसमान को नीचे और धरती को ऊपर ले जा सकते हैं। सोचो अगर ऐसा हो तो क्या हो। चलिए फिर देखते हैं कल्पनाओं की हमारी इस दुनिया से जुड़े इन जानवरों को कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। अरे ये क्या, हमारा छोटू सा खरगोश जूते पहने घूम रहा है। ये क्या, गिलहरी भी तो जूते पहने हुए है। अरे वाह, बंदर मामा और जिराफ भी जूते पहने हुए हैं। अरे ये जो अपने हाथी दादा और लोमड़ी रानी भी तो जूते पहने हुए हैं। बालू जी भी तो कुछ कम नहीं है, वो भी तो जूते पहने घूम रहे हैं। बच्चों कैसा लगा आपको इन्हें जूते पहने हुए देखकर? कितने प्यारे और अनोखे लग रहे थे ना हमारे ये दोस्त। जूतों से मुझे याद आया कि आज की हमारी कहानी भी जूतों पर आधारित है। आज हम और आप मिलकर देखेंगे एक अद्भुत कहानी जिसका नाम है दोस्त के जूते। एक मेंढक जूते बनाता था। एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक चींटा निकला, एक काला चींटा। चींटे के पास गुड़ की डली थी। मेंढक ने चींटे को देखा और चींटे से कहा, थोड़ा गुड़ दे दो, मच्छर खाते खाते उब गया हूँ। चींटा बोला, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो तो आधा गुड़ तुम्हारा। मेंढक ने सोचा, गुड़ के बदले 6 जूते बनाना अच्छा सौदा है। उसने हामी भर ली। चींटे ने आधा गुड़ मेंढक को दे दिया। अगले दिन चींटा अपने दोस्त के जूतों का नाप देने मेंढक के पास पहुंचा। चींटे का दोस्त कनखजूरा था। जब चींटे ने मेंढक को अपने दोस्त कनखजूरे से मिलवाया तो उसके पैर देखकर मेंढक की आंखें खुली की खुली रह गईं। इतने सारे पैर, अब तो मुझे ये गुड़ की आधी डली बहुत महंगी पड़ गई। इसके दोस्त के पैरों के लिए इतने सारे जूते बनाने पड़ेंगे। तो साथियों कैसी लगी मेंढक की ये छोटी सी कहानी? अब इस छोटी सी कहानी से आप क्या समझे ये हमें बताइए। चलिए अब मैं आपसे कुछ पूछती हूँ। अच्छा ये बताइए, क्या आपने कभी कनखजूरा देखा है? अगर हाँ तो कहाँ पर, दीवार पर या जमीन पर? मुझे तो लगता है जमीन पर, आपको क्या लगता है? अब मुझे आप ये बताएं कि मेंढक और कनखजूरे किस मौसम में ज्यादा दिखाई देते हैं, सर्दी गर्मी या बरसात? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बरसात में। अब आप इस कहानी में आए कुछ शब्दों के अर्थ बताएं और उनका वाक्य प्रयोग करें। ये शब्द हैं, पहला शब्द है डली। डली किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ठोस वस्तु का एक छोटा सा टुकड़ा डली कहलाता है। ऐसे ही अगला शब्द है ऊब। याद कीजिए किस चीज से आप ऊब जाते हैं? जैसे कई बार आप एक ही तरह का खाना खाते खाते ऊब जाते हैं, एक ही तरह का खेल खेलते खेलते ऊब जाते हैं, है ना?
उसे हम कहते हैं एक ही चीज से उगता जाना या उब जाना। अगला शब्द है सौदा। सौदा यानी लेन देन करना। क्या आप में से बताएगा इसका मतलब क्या होता है? याद कीजिए, आपने कभी ना कभी तो कोई ना कोई सौदा किया होगा। जैसे अपने दोस्तों से कहते होंगे कि लाओ तुम मुझे बैट दे दो, मैं तुम्हें बॉल दे दूंगा, है ना? या फिर आपको याद है जब आप दुकानदार के पास कोई टॉफी या चॉकलेट लेने जाते हैं तो उसके बदले में उसे क्या देते हैं? पैसे या रुपए देते हैं, है ना? इसी को कहते हैं सौदा। तो साथियों, बच्चों ने तो मुझे अलग अलग प्रश्नों के सही जवाब दे दिए, पर आप क्या समझते हैं इन शब्दों से हमें ज़रूर बताएं। और अगर कुछ परेशानी आए तो किसी दोस्त या शिक्षक की मदद ले सकते हैं। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खेल खेल में पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।